हेलो माय फेलो सिटीजन्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द या हमारे साथ खुद कभी चीटिंग ऑफेंसेस होते हैं, कभी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हैं। मिसाल के तौर पे कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग किसी को पैसा देते हैं कुछ काम करने के लिए, लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि उसने हमारे साथ फ्रॉड किया, उसने हमसे पैसा लिया और काम नहीं किया और वो कहीं गायब हो गया है। तो ये जो चीटिंग के ऑफेंसेस है दोस्तों, इनके लिए क्या किया जाए? सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है हम सबके दिमाग में कि हम लोग क्यों ना पुलिस स्टेशन में जाके इसके अगेंस्ट में एक FIR लॉन्च करें। तो हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हम लोगों में से ऐसे होंगे जो कि पुलिस स्टेशन में गए थे और पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग को लगा कि हम लोगों की FIR लिखी जाएगी और हम लोगों के हित में कुछ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ सम लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमारे पास इन्फॉर्मेशन, लीगल इन्फॉर्मेशन इतनी पुख्ता नहीं थी कि हमारे लिए वो FIR लिखी जा सके या हमारी पुलिस कंप्लेंट लॉज हो सके। और हम लोग के पास काफी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन रहता है प्रोसीजर का कि पुलिस स्टेशन में जाके असल में करना क्या है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है। तो उसी चीज के लिए मैंने और टीम ने ये सोचा कि हम लोग कुछ ऐसे वीडियोस बनाएं जिसकी वजह से ये जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स हैं, जो लीगल इंफॉर्मेशन के लिए, लीगल प्रोसीजर्स के लिए, वो कैसे हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया तक पहुंचे और कैसे ये प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स की पूर्ति आप सब लोगों के जहन में और आप सब लोगों के लिए ये वीडियोस बनाने के लिए हम लोगों की एक पहल है, जिसका पहला वीडियो इस टॉपिक पे है कि कैसे आप एक लीगल ऑफेंस या क्रिमिनल ऑफेंस किसी पर्सन के अगेंस्ट में पुलिस स्टेशन जाके अपना पुलिस कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक पुलिस कंप्लेंट करने के लिए सबसे पहले एक रिटन पुलिस कंप्लेंट बनानी बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप कभी या कोई भी इंसान पुलिस कंप्लेंट करता है या पुलिस स्टेशन जाता है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ओरल पुलिस कंप्लेंट करेंगे, तो ये आप एक अपने लिए और अपने केस के लिए एक हल्का सा रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि एक समय पे आप तो बता दोगे पुलिस को कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, लेकिन आप ये भरोसा नहीं कर सकते हो कि पुलिस एग्जैक्टली वही सारी चीजें एक एक शब्द वैसा ही लिखेगी अपनी कंप्लेंट में कि नहीं, क्योंकि उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, लिमिटेशंस रहती हैं उनको। वो जैसा आप बोल रहे हैं वैसा एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं लिख सकते हैं। एंड आई एम श्योर इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो भी अपना केस है, चाहे वो चीटिंग का केस है, चाहे वो थेफ्ट का केस है, चाहे वो किसी भी और टाइप के क्रिमिनल ऑफेंस है, वो ज़रूरी है कि आप एक पेन पेपर या फिर आपके पास अगर लैपटॉप या कोई ऐसी चीज़ है तो आप उस पर इन राइटिंग लिखें। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो सारी चीज़ें आपको इन राइटिंग लिखनी है एक पुलिस कंप्लेंट में, वो एक फॉर्मल लेटर के तौर पे होना चाहिए। तो उसमें होना ये चाहिए कि आपके पुलिस कंप्लेंट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक फॉर्मल लेटर के तौर पे रहेगा, जैसे कि सबसे ऊपर आ जाएगा आपका टू स्टेशन पुलिस का नाम, जो भी पुलिस स्टेशन में, मान लीजिए आप कोई भी बोरीवली पुलिस स्टेशन या अगर कोई और पुलिस स्टेशन है तो आप वहाँ पे कर रहे हैं, तो पुलिस स्टेशन का नाम आ जाएगा और उसके नीचे सब्जेक्ट लिखा होगा कि पुलिस कंप्लेंट रिगार्डिंग थेफ्ट ऑफेंस, रिगार्डिंग चीटिंग ऑफेंस, ऐसा सब्जेक्ट लिखा रहेगा। उसके नीचे लिखा रहेगा कि आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, कंप्लेनेंट का कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, कंप्लेनेंट का नाम क्या है और कंप्लेनेंट का एड्रेस क्या है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो शुरुआत में हर पुलिस कंप्लेंट के ऊपर आपको लिखना चाहिए। फिर उसके बाद आता है, अगर आपको पता है कि सामने वाले का नाम क्या है, अक्यूज का नाम क्या है या दोषी का नाम क्या है, दोषी का मोबाइल नंबर क्या है, दोषी का रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है या दोषी का ऑफिस एड्रेस क्या है, या जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स आपको दोषी के बारे में पता है वो सारी आएंगी। फिर उसके बाद मेन कंटेंट शुरू होगा कंप्लेंट का, जिसमें कि आप ये चीज़ें लिखेंगे, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लिखेंगे। उसके अलावा जो भी आपको ऐसी चीज़ें लगती हैं, डिटेल्स जो भी हुए हैं वो तो आप लिखेंगे ही, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एक पुलिस कंप्लेंट के बॉडी में, वो आप ये लिखोगे कि किस दिन ये चीज़ हुई है। अगर
उस इंसान को आप पहले से जानते हो तो आप कैसे जानते हो, उस इंसान से आपका किसी ने परिचय करवाया था तो किस इंसान ने करवाया था, ये वो इंसान हो सकता है जो आपके केस के लिए विटनेस शायद खड़ा हो सके और आगे चल के अगर FIR लॉन्च की जाए तो पुलिस उस म्यूचुअल फ्रेंड या उस परिचय करवाने वाले इंसान से भी मिलेगी और उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, जो कि आपके केस के लिए बेनिफिशियल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें लिखनी है कि क्या हुआ था, कहाँ हुआ था ये ऑफेंस, और उन लोगों के नाम क्या हैं जो कि जिनको जो आई विटनेस कहलाए जाते हैं या जो विटनेस कहलाए जाते हैं कि जिनको मालूम है इस ऑफेंस के बारे में कि ऐसा एक इंसान ने आपसे पैसा लिया या आपके घर से चोरी करी, जिनके नज़र में या ये घटना घटी है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है उसमें कि अगर उस इंसिडेंट उस ऑफेंस के बाद आपने क्या स्टेप्स लिए, क्या आपने कुछ ऐसा स्टेप लिया, आपने उसको पकड़ने की कोशिश करी या आपने उस अक्यूज्ड या दोषी इंसान को मैसेज किया कि मेरे पैसे वापस कर दो, या जिस काम के लिए आपने लिया है वो आपने नहीं किया काम तो इसलिए मेरा पैसा वापस कर दो, क्या ऐसी कोई चीज़ें आपने करी हैं बाय वे ऑफ व्हाट्सएप मैसेज, बाय वे ऑफ टेक्स्ट मैसेज, बाय वे ऑफ फ़ोन कॉल्स। और अगर इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने व्हाट्सएप मैसेजेस के तहत ये चीज़ें करी हैं तो आप उसका एक रिकॉर्ड भी रखें साथ में अपने पास बाय वे ऑफ अ प्रिंट और बाय वे ऑफ एनीथिंग। तो आपको एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं अपने अपने लेवल पे, जितना भी आप कर सकते हैं उतना। तो ये सारी जब इंफॉर्मेशन, सारी घटना का एक एक चीज़ की उस दिन ये हुआ था, फिर उसके बाद उसने ये किया, फिर ये किया, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आपको अंत में ये लिखना होता है। उसके लिए आपको शायद किसी एडवोकेट या किसी लीगल पर्सन से कॉन्टैक्ट करना हो कि जो भी आपके अगेंस्ट ऑफेंसेस हुए हैं उनका सेक्शंस क्या हैं, उनकी धाराएं क्या हैं, सेक्शंस अंडर IPC या सेक्शन अंडर एनी अदर पीनल स्टैट्यूट, एनी अदर पीनल एक्ट, वो सेक्शन क्या है। जैसे कि अगर चीटिंग हुई है आपके साथ तो मे बी आप सेक्शन 406 या सेक्शन 420 आप इम्पोज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जो भी सेक्शन है या जो भी धारा है वो आपको अपनी पुलिस कंप्लेंट में एट दी वेरी एंड लिखना होता है कि ये चीज़ें जो ऊपर मैंने लिखी हैं उन चीज़ों की वजह से अक्यूज के ऊपर सेक्शन 420 या 406 या फलाना फलाना सेक्शन के अंडर उसके ऊपर एक FIR करने की रिक्वेस्ट करता हूँ मैं पुलिस स्टेशन में। तो ऐसा आपको एंड करना है अपना पुलिस कंप्लेंट ये चीज़ लिख के। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो आप पुलिस कंप्लेंट बना रहे हैं उसको एक आप CC करें या कॉपी उसको भेजें, अगर आप पोस्ट से भेज रहे हैं किसी पुलिस स्टेशन में, या अगर आप जाके हैंड डिलीवरी करने वाले हैं पुलिस स्टेशन में, देने वाले हैं हाथों हाथ, तो एक नीचे CC भी करें उस पुलिस कंप्लेंट को टू द ACP ऑफ दैट पुलिस स्टेशन। मान लीजिए अगर किसी एक्स पुलिस स्टेशन में आप अपना पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करने वाले हैं तो हर उस पुलिस स्टेशन का एक हायर अथॉरिटी होता है, एक सीनियर होता है जो कि ACP होता है, उसके ऊपर DCP होता है और उसके ऊपर कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। तो आप उन लोगों को भी ज़रूरी है कि उस पुलिस कंप्लेंट में एटलीस्ट नीचे CC करें या मार्क करें उस पुलिस कंप्लेंट में। तो ये तो हो गया कि कैसे पुलिस कंप्लेंट में क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसे आपकी अब पुलिस कंप्लेंट रेडी हो गई है और आपने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया है तो उस पर आप ज़रूरी है कि आप उस पर साइन करें और फिर उसकी एक और कॉपी अपने पास निकाल के रख लें। ये कॉपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी एक खुद की कॉपी है। मैं आपको बताऊंगा कि इसका आपका क्या यूज़ है। तो अब आपके पास जब पुलिस कंप्लेंट आपके हाथों में आ गई है तो अब आप एक जो भी आपके एरिया का पुलिस स्टेशन है या जहां भी घटना घटी है या जहां भी आप रहते हैं, आपके पास चॉइस है, या तो जहां पे आप घटना घटी है वो वाले एरिया के पुलिस स्टेशन में आ जाके आप लॉन्च कर सकते हैं या फिर आप जहां रहते हैं आप आपके एरिया वाले पुलिस स्टेशन में जाके भी लॉन्च कर सकते हैं आपके। तो मान के चलते हैं कि आप जहां रहते हैं वो उस एरिया के पुलिस स्टेशन में आप लेके जाते हैं आपकी पुलिस कंप्लेंट। तो दोस्तों हर एक पुलिस स्टेशन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप जब पुलिस कंप्लेंट लेके किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो आप किसी से भी वहाँ पे ये पूछ लीजिए कि
कि आपके पुलिस स्टेशन का डिस्पैच डिपार्टमेंट किधर है। डिस्पैच डिपार्टमेंट हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो किसी मिनिस्टर का ऑफिस हो, चाहे वो कोई भी और गवर्नमेंट एंटिटी का ऑफिस हो, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक डिस्पैच डिपार्टमेंट होता है। ये वो डिस्पैच डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज जाके देनी है उस गवर्नमेंट अथॉरिटी को, पुलिस स्टेशन को, तो आप सीधा उस डिस्पैच डिपार्टमेंट में जाते हैं और अपना पुलिस कंप्लेंट का एक कॉपी, जो ओरिजिनल कॉपी होगी जिसमें आपने ओरिजिनल अपने सिग्नेचर किए होंगे, वो कॉपी आप जाके उस डिस्पैच डिपार्टमेंट में दे सकते हैं। डिस्पैच डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो कॉपी रिसीव करता है और वो एक स्टैम्प देता है अपना पुलिस स्टेशन का, जिसके लिए आपको अपना जो खुद का आपका ओसी कॉपी रहेगा, जो आपका आपका कॉपी रहेगा पुलिस कंप्लेंट का, जो आपने जेरोक्स करवाया होगा, उस पे आप पुलिस स्टेशन से उनका एक्नॉलेजमेंट स्टैम्प लीजिए, जो कि इस बात को एविडेंस करेगा, एविडेंट करेगा कि आपने सो एंड सो डेट को, मान लीजिए 15 दिसंबर को आपने ये कंप्लेंट दर्ज करी थी, तो वो उस एक्नॉलेजमेंट स्टैम्प में पुलिस स्टेशन ये चीज लिखता है, आपको ठप्पा देता है और लिखता है नीचे डेट कि किस दिन को ये आपकी पुलिस कंप्लेंट लॉज हुई है। अब ये जो आपको ठप्पा मिला है, स्टैम्प मिला है पुलिस स्टेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पास एक प्रूफ है कि आपने 15 दिसंबर को एक्स वाई जेड पुलिस स्टेशन में जाके अपनी पुलिस कंप्लेंट दी थी, लॉज करी थी। अब यहां से पुलिस स्टेशन का काम आ जाता है कि पुलिस स्टेशन आपकी पुलिस कंप्लेंट पे एक्ट करेगा, उसको अब उसका काम आ जाता है कि आपकी पुलिस कंप्लेंट पढ़ के आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण करे, उसका सॉल्यूशन करे। लेकिन क्योंकि जैसे हम लोग जानते हैं कि पुलिस स्टेशन एक ऐसी अथॉरिटी है अकॉर्डिंग टू मी जिसके पास मैन पावर बहुत कम है। अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाओगे तो मेरे हिसाब से उधर मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम 6 से 8 लोग ऐसे होते हैं जो कि एक इन्वेस्टिगेशन करने में सक्षम होते हैं, उतनी रैंक के पुलिस ऑफिशियल होते हैं। तो अगर आप ये मान के चलते हैं कि हर दिन पे अगर 100 पुलिस कंप्लेंट्स आ जाती है एक पुलिस स्टेशन में, तो इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि 6 से 8 लोग वो हर रोज 100 कंप्लेंट की इन्वेस्टिगेशन करें, हर रोज 100 FIR लॉज करें। तो इसीलिए दोस्तों जो पुलिस स्टेशन वाले पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो इसलिए पहले देखते हैं, पहले प्रेलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करते हैं कि जो आप पुलिस कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं उसमें कुछ बेसिस है भी, या आपने बस एक दिन वन फाइन डे आप उठे हैं और आपको किसी पे गुस्सा आया है और आपने जाके पुलिस कंप्लेंट लॉज कर दी है। तो इसीलिए क्योंकि वो हर दिन 100 कंप्लेंट लेके उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, इसीलिए पहले वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं, पहले वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी पुलिस कंप्लेंट में कोई बेसिस है भी या नहीं। तो अगर आपने अगर 15 दिसंबर को मान लीजिए एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करी है, तो ये आप मान के चलिए कि लगभग 1 हफ्ते या 1 से 1.5 हफ्ते के बीच में एक पुलिस ऑफिसर को आपकी पुलिस कंप्लेंट पे अपॉइंट कर दिया जाएगा, जिसको कि हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, IO शॉर्ट फॉर्म में। तो एक IO को जब अपॉइंट कर दिया जाएगा आपके सिर्फ पुलिस कंप्लेंट में, तो आपको फिर से जाना है एक बार 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद उसी पुलिस स्टेशन में, ये पता करने के लिए कि कौन से पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है आपके केस के लिए। तो आप वहां पे जाके पूछताछ इंक्वायरी में ये पता कर सकते हैं कि आपने 100 पुलिस कंप्लेंट करी थी 15 दिसंबर को, आप दिखा सकते हैं। तो आपको फिर से जाना है पुलिस स्टेशन और फिर 1 से 1.5 हफ्ते के बाद आपको ये पता करना है कि आपके केस में, आपके पुलिस कंप्लेंट में किस IO को अपॉइंट किया गया है। जब आप पुलिस स्टेशन जाओगे एक बार तो आपको बहुत आराम से पुलिस ऑफिस में या पुलिस स्टेशन में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उस पुलिस ऑफिसर का नाम क्या है और उस पुलिस ऑफिसर का मोबाइल नंबर क्या है, वो आपको प्रोवाइड किया जा सकता है आप पूछेंगे तो। तो आप अगर वो पुलिस ऑफिसर
फॉर्चुनेटली अगर उस पुलिस स्टेशन में उस समय उपलब्ध है, अगर वो पेट्रोलिंग पे कहीं बाहर नहीं गया हुआ है या उस समय अगर उपलब्ध है, तो आप डायरेक्टली उसी समय मिल सकते हैं उस पुलिस ऑफिसर से। और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो आप फिर उनसे मोबाइल फोन पे आराम से कभी भी फॉलो अप कर सकते हैं। ये जान के चलिए, कई बार हम लोग इस थॉट से चलते हैं कि पुलिस को तो कभी अपना काम करना ही नहीं होता है, ये गलत थॉट है। क्योंकि आप ये सोच के चलिए कि पुलिस ऑफिस एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस है जिनकी सातों दिन में कभी भी छुट्टी नहीं होती है, उनको कभी भी ऐसा समय नहीं मिलता है, उनकी हमेशा जॉब चलती है, उनके 24 घंटे कभी भी कुछ भी अगर ऑफेंस हो गया सिटी में या उनके ज्यूरिसडिक्शन में, तो उनको उसी समय पहुंचना होता है, तो उनकी 24 घंटे ड्यूटी चलती रहती है। तो प्लीज ऐसा मान के ना चला करिए कि पुलिस को कभी अपना काम करना ही नहीं है, लेकिन आपको विद अ कूल हेड आराम से एक बार फॉलो अप करना है, एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार फॉलो अप करना है, तीसरी बार फॉलो अप करना है। आपको फोन नंबर पे जो आपको उपलब्ध कराया जाएगा पुलिस ऑफिसर का, तो आप उस पे फोन करिए पुलिस ऑफिसर को, कोशिश करिए उनसे बात करने का, एक मीटिंग करने का कोशिश करिए पुलिस स्टेशन में ही, कहीं बाहर पुलिस स्टेशन के नहीं, कहीं भी आप कभी भी जब पुलिस स्टेशन में वो उपलब्ध हो पुलिस ऑफिसर, तो आप उनसे जाके मिल सकते हैं। कहीं बाहर भी अगर उपलब्ध हो तो आप उनसे जाके मिल सकते हैं। इस चीज का, इस मीटिंग का होल मोटिव ये है कि दोस्तों प्रैक्टिकलिटी को नजर में रखना चाहिए। और क्योंकि हम लोगों ने एक पुलिस कंप्लेंट अगर फाइल करी है, मान लीजिए ऑन एन एवरेज वो 4 से 5 पेज की अगर आपने पुलिस कंप्लेंट करी है, मान लीजिए ऐसी ही पुलिस कंप्लेंट उनके पास रोज की 50 या 60 पुलिस कंप्लेंट आती है, तो ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए, किसी भी इंसान के लिए, कि वो हर पुलिस कंप्लेंट को फ्रॉम स्क्रैच ऊपर से फर्स्ट पेज से एंड पेज तक पढ़े और समझे। तो ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं होती है कि वो लोग अपनी पुलिस कंप्लेंट पढ़ें सारी चीज, तो इसलिए दे ऑल्सो एक्सपेक्ट, वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जब कोई कंप्लेनेंट उनसे मिलेगा तब वो ओरली अपना जो भी पुलिस कंप्लेंट में उसके साथ हुआ है ऑफेंस वो उनको ओरली बताए, ताकि वो एक आसान भाषा में, एक जल्दी समय में वो समझ पाए कि ऑफेंस क्या हुआ है। इसीलिए वो ये मीटिंग करना चाहते हैं आपसे कि आप एक शॉर्ट में उनको समझा दें कि क्या क्या चीज हुई है और आप क्या चीज से पीड़ित हैं और आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए, और उसका फोन नंबर जो अक्यूज का, दोषी का नंबर, डिटेल्स, वॉट एवर इट इज, वो आपसे पता कर लेते हैं उसी समय, और हाथों हाथ ही वो आपका केस समझ जाते हैं, उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि एक ये केस हुआ है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप एक बार पुलिस ऑफिसर से, जो आईओ आपके केस में अपॉइंट हुआ है, एक बार उनसे मिलें और उनको ओरली अपना केस समझाएं कि क्या केस हुआ है, जिससे कि वो केस उनके दिमाग में रहे, ना कि सिर्फ एक पेपर। अगर आईओ ने आपका केस समझ लिया है कि क्या केस है, और आईओ को भी ऐसा लगता है कि ये 420 सेक्शन या 406 सेक्शन या किसी भी और सेक्शन के अंतर्गत आपका केस फॉल करता है, यानी कि क्रिमिनल ऑफेंस, उसको ऐसा लगता है कि हाँ सच में क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है और जो कंप्लेनेंट है वो असल में पीड़ित है इंसान किसी ऑफेंस से, तो इट इज फॉर श्योर कि वो पुलिस ऑफिसर आपका FIR लिखेगा। अगर वो FIR नहीं लिखता है तो उसके लिए भी आपके पास उपाय है, लेकिन इट इज 80% श्योर कि अगर पुलिस ऑफिसर को आपकी बात समझ में आ गई है तो वो आपका FIR दर्ज करेगा। एक बार जब FIR दर्ज हो जाता है तो वहां से आपका काम मिनिमल हो जाता है और पुलिस का काम बढ़ जाता है। एक बार जब FIR ऑन पेपर दर्ज हो गई है तो इट इज मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू डू द इन्वेस्टिगेशन, टू टेक स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेसेस, टू मीट द अक्यूज, टू ट्राई टू फाइंड द अक्यूज। उनको, पुलिस को ये मैंडेटरी ऐसा करना होता है कि वो आपका केस में जो भी इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस इकट्ठा, जो भी करना है वो करें, और उसके लिए अगर उनको आपसे कोई सहायता चाहिए होती है, किसी डॉक्यूमेंट की, किसी और चीज की सहायता चाहिए होती है, तो वो आपसे पूछेंगे, और आपका भी कर्तव्य है कि आप भी पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो आप दे सकें, उनको प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मान लीजिए 20% चांस में वो आपका तब भी FIR नहीं करते हैं, नहीं लिखते हैं, या डीले करते हैं, या कुछ ऐसी चीज करते हैं,
तो ऐसे समय पे आपके पास लीगल प्रावधान है, लीगल सॉल्यूशंस हैं इस काम के लिए भी। अगर पुलिस स्टेशन आपका एफआईआर नहीं लिखता है आफ्टर अ स्पैन ऑफ, आफ्टर अ पीरियड ऑफ से 1 month, 1 महीना गुजर जाता है या 3 से 4 हफ्ते गुजर जाते हैं, आपका एफआईआर नहीं दर्ज होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपने अपना पुलिस कंप्लेंट दर्ज किया था जिसका कॉपी आपके हाथों में होगा आज के डेट में भी, उसमें याद है आप लोगों ने एंड में एक सीसी या एक मार्क किया था कमिश्नर ऑफ पुलिस को या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 154 जो सीआरपीसी का कहता है कि अगर पुलिस स्टेशन आपका एफआईआर नहीं दर्ज करता है तो आप वही सेम कंप्लेंट को आप कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपके क्षेत्र में जो भी रहेगा उसको आप सेम डिस्पैच डिपार्टमेंट में उनके जाके फाइल कर सकते हैं, जिसमें आप ये लिख सकते हैं कि मैंने 15 दिसंबर को एक पुलिस कंप्लेंट एक्स वाई जेड पुलिस स्टेशन में लॉन्च किया था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है इस पे, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि ये वाली पुलिस कंप्लेंट को एफआईआर में तब्दील करने के लिए आप पुलिस स्टेशन को डायरेक्शंस दें। ये मोर देन, अकॉर्डिंग टू मी, मोर देन 80% मैंडेटरी ही होता है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इस एप्लीकेशन या इस कंप्लेंट जो आप उधर जाके फाइल करेंगे उस पर कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन क्योंकि ये एक प्रोसीजर है तो ये आपको करना पड़ेगा। तो आप कमिश्नर के पास जब ये आप कंप्लेंट फाइल करेंगे कि पुलिस स्टेशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, वो फाइल करने के 1 से 2 हफ्ते के बाद भी अगर कोई एक्शन फिर स्टिल नहीं लिया जाता है आपकी पुलिस कंप्लेंट पे, तो आपके पास एक ऑप्शन है जो कि आप सीधा कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो। आपके आपके एरिया का जो भी कोर्ट में मजिस्ट्रेट है, आप सीधा वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ये बोलते हुए कि मैंने सो एंड सो पुलिस कंप्लेंट, सो एंड सो एक्स वाई जेड पुलिस स्टेशन में 15 दिसंबर को लॉन्च किया था, जिसका एविडेंस ये है, उस पे एक्नॉलेजमेंट भी होगा पुलिस स्टेशन का, तो पुलिस स्टेशन ये नहीं कह सकता है कि भाई इन्होंने कुछ लॉन्च नहीं किया। तो इसीलिए आपके पास सबसे पहला स्टेप, आपको पुलिस स्टेशन में जाना है, वहां पे लॉन्च करना है अपना कंप्लेंट, एक्नॉलेजमेंट लेना है, ठप्पा लेना है, स्टैंप लेना है उनका। फिर उसके बाद आपको कोशिश करना है आईओ से मिलने का, आईओ से बात करने का, आईओ को समझाने का कि आपका क्या केस है और उस केस में एफआईआर होना चाहिए और उनको करना चाहिए। अगर एफआईआर नहीं करते हैं वो, तो आपके आपके पास उसके बाद ऑप्शन है, आप कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास एक बाय वे ऑफ अ लेटर जा सकते हैं, फाइल कर सकते हैं वहाँ पर सेम डिस्पैच डिपार्टमेंट में, बोलते हुए कि आपने 15 दिसंबर को एक पुलिस कंप्लेंट फाइल किया था, उन्होंने एफआईआर नहीं लिखा है, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस डायरेक्ट करे पुलिस स्टेशन को कि एक एफआईआर दर्ज हो। और अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस भी कुछ एक्शन नहीं लेता है, तो जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास वो आपको यही है कि आपको सीधा मैजिस्ट्रेट में बाय वे ऑफ अ कंप्लेंट फाइल करना होगा, एक केस फाइल करना होगा आपको इन द फॉर्म ऑफ अ कंप्लेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट, जहां पे आप ये बोलोगे कि आपने इन सारी अथॉरिटीज के पास गए लेकिन उन्होंने आपके कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो नाउ द लास्ट ऑप्शन इज कि मैजिस्ट्रेट उस पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट करे एक एफआईआर दर्ज करने के लिए आपके केस में। तो मजिस्ट्रेट आफ्टर गोइंग थ्रू द कंप्लेंट आपके हित में या आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, एक ऑर्डर पास करेंगे, उसके बारे में हम लोग कभी आगे विस्तार में बात करेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर था एक पुलिस कंप्लेंट, कैसे हम सबसे स्क्रैच से एक पुलिस कंप्लेंट, कोई भी ऑफेंस जो आपके अगेंस्ट हुआ हो, एक पुलिस स्टेशन में कैसे आप फाइल कर सकते हैं या अपना आवाज को कैसे आप उठा सकते हैं प्रॉपर अथॉरिटीज के पास जाके, ना कि ट्विटर या फेसबुक या व्हाट्सएप पे अपनी बात कह के। प्रॉपर अथॉरिटीज पुलिस स्टेशन है, आप वहां पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। ये था आज का हम लोगों का वीडियो, जो कि मैं होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज आप कमेंट्स में बताइए कि आपको और किन टॉपिक्स पे, किन प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे ये प्रोसीजर्स की रिक्वायरमेंट है। आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, जिनको लगता तो है कि वो
कुछ कर सकते हैं लीगली, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है, तो उन लोगों के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्प हुआ होगा इस वीडियो के माध्यम से। आप शेयर कर सकते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा चैनल का नाम वन इंडिया है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस चीज़ को और बढ़ाने के लिए आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। असली अगर आपको जो भी मैंने वीडियो में बोला अगर उसको आप फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आपको फिर से वीडियो देखने के बजाय भी आपके पास एक ऑप्शन है, मेरा ब्लॉग है कानून के हाथ.blogspot.com, कानून के हाथ.blogspot.com, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको उस ब्लॉग स्पॉट पे पहुंच सकते हैं। और मेरा इसी टॉपिक पे एक ब्लॉग है हाउ टू अप्रोच द पुलिस एंड फाइल एन FIR, तो वहां पे भी आप ये आराम से पढ़ सकते हैं और प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।